प्रखंड विकास पदाधिकारी राघोपुर ललन कुमार चौधरी ने सरकार की योजनाओं को धरातल पर लागू करने के लिए एक बैठक बुलाई, जिसमें कृषि समन्वयक, कृषि सलाहकार, कृषि उद्यान पदाधिकारी के साथ पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। आइए देखिए प्रखंड विकास पदाधिकारी ललन कुमार चौधरी ने विस्तार ढंग से इसकी जानकारी को हमारे साथ साझा किया है। ये जो सर आज की बैठक जो की गई है, ये किस संदर्भ में और के बैठक का उद्देश्य क्या है? ये बैठक में आज जो शामिल हुए थे प्रखंड स्तरीय कृषि से संबंधित जितने भी पदाधिकारी, प्रवेश पदाधिकारी, कर्मी, इसमें सलाहकार, समन्वयक, प्रखंड उद्यान पदाधिकारी, ये सभी लोग उपस्थित हुए थे। और मेरे द्वारा अभी जो है वर्तमान में लगातार से जब से ये ग्राम परिवहन योजना है उसके तहत जो है सातवें चरण का जो है रिक्ति निकाला गया है, तब से लगातार जो है बैठक की जा रही है। इससे पहले भी ग्राम कचहरी के साथ बैठक किया जा चुका है, पंचायत के पंचायत सचिव मुखिया जी के साथ भी बैठक कर लिया गया है, और इसके अलावा विकास मित्र के साथ भी बैठक किया गया है। उसी कड़ी में आज जो है कृषि से संबंधित सारे कर्मियों के साथ बैठक किया गया है, ताकि इसका जो है प्रचार प्रसार जो है दूर दूर तक हो, सभी लोग को ये जानकारी मिले कि सातवें चरण में भी ग्राम परिवहन योजना के तहत जो है अनुदानित राशि जो 1,00,000 रुपया मिलना है वो मिले। और इसमें सरकार का जो है एकदम स्पष्ट उद्देश्य है कि ऐसे बेरोजगार जो अभी जो लॉकडाउन के समय में भी बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए हैं वो भी इसमें जुड़ सकते हैं, और उसमें खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति एवं जो अत्यंत पिछड़ी जाति वर्ग से आते हैं उनके लिए जो है रोजगार का जो है साधन मुहैया कराने के लिए जो बेरोजगार युवा जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस है वो आवेदन कर सकते हैं। और इसमें पहले जो है पर पंचायत जो है मात्र 5 जो है लाभुक ही अप्लाई कर सकते थे या उनको इसका मिल सकता था लाभ, अब उसको भी बढ़ा के जो है 7 कर दिया गया, जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति से कुल 4 लाभुक हो सकते हैं और अत्यंत पिछड़ी जाति से 3 हो सकते हैं। उसी को लेकर जो है आज बैठक की गई थी, और सभी लोगों को निर्देश भी दिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें और आवेदन दिलवाएं, ताकि जो प्रखंड राघोपुर में जो अब तक 6ठे चरण तक में जो स्थिति अपेक्षाकृत सही नहीं थी इस मामले में अनुदान की राशि पाने मामले में, उसमें जो है सुधार करते हुए 100% जो है अनुदान की राशि को यहाँ के स्थानीय लाभों को दिलवाया जा सके, उन्हें लाभान्वित किया जा सके, उसी को लेकर यह बैठक की गई। आपका शुभ नाम सर? ललन कुमार चौधरी, प्रखंड विकास पदाधिकारी राघोपुर। धन्यवाद।